जंगल में एक कालू कौवा और इसकी पत्नी रानी कौवी रहते थे। कालू कौवे के पुरखों ने चीलों के साथ दोस्ती करके जंगल के पक्षियों को बहुत ही नुकसान पहुंचाया था, जिस कारण सभी पक्षियों ने कालू कौवे के पुरखों को जंगल से बाहर निकाल दिया था। रानी, जब जब मैं इस जंगल में पक्षियों को खुश देखता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। इन पक्षियों ने मेरे पुरखों को जंगल से निकाल कर अच्छा नहीं किया है। परंतु कालू जी, पक्षियों ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया था। आपके पुरखों ने जंगल के काफी पक्षियों को नुकसान पहुंचाया था। वो इसी के हकदार थे कि इन्हें जंगल से निकाल दिया जाए। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। अगर तुम मेरे बेटे की माँ ना होती, तो मैं तुम्हें इस बात की जरूर सजा देता। इस तरह कालू कौवा हर बार रानी कौवी को चुप करवा देता था और कभी भी अपने पुरखों के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनता था। पक्षियों, बस कुछ ही दिनों में हमारे जंगल में तेज बारिशें होने वाली हैं और इसके बाद ठंडी का मौसम भी आ जाएगा। हमें अपने अपने घरों को मजबूत कर लेना चाहिए। हाँ मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारे घर तो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। मीनू चिड़िया, पक्षियों, घरों को मजबूत करने की क्या जरूरत है? अभी तो हमने नए घर बनाने थे और मुझे पता है कि इस बार तेज बारिशें नहीं होने वाली हैं। नहीं कालू कौवे, जंगल में हर बार तेज बारिशें ही होती हैं और इस बार भी बहुत तेज बारिशें होने वाली हैं। अरे भाई पक्षियों, तुम सब इतनी चिंता क्यों करते हो? मैं अभी बादल भैया के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि इस बार वे हमारे जंगल में बहुत हल्की बारिश करें। हाँ कालू कौवे, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। तुम बादल भैया को हल्की बारिश करने का कह दो ताकि हमारे जंगल में पक्षियों के घरों को कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है भाई पक्षियों, आप सबको जैसा लगे आप वैसा ही करो। फिर कालू कौवा बादल के पास चला जाता है। कालू कौवे, मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे जंगल में बहुत तेज बारिशें करने वाला हूँ। अब क्या मसला है बताओ? बादल भाई, आप हर बार बहुत ही कम बारिशें करते हो और जिस कारण हमारी फसलों को ठीक से पानी नहीं मिल पाता है। आप इस बार हमारे जंगल में बहुत तेज बारिशें करो ताकि हमारे जंगल में खेतों में अच्छे से फसल लग पाए। मैं तो कहता हूँ आप इस बार हमारे जंगल में पूरे एक हफ्ते तक बारिश करो ताकि हमारे जंगल में फसलें अच्छे से निकल जाएं। पर अगर कालू कौवे, मैंने पूरे एक हफ्ते तक तुम्हारे जंगल में बारिशें की, तो तुम्हारे जंगल में तो सैलाब आ जाएगा। तुम्हारे जंगल में बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर आपने हमारे जंगल में तेज बारिशें ना की, तो हमारे जंगल में अच्छे से फसल नहीं लग पाएगी और हम सब पक्षी भूख के कारण मर जाएंगे। ठीक है कालू कौवे, जैसा तुमने कहा है मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। मैं तुम्हारे जंगल में पूरे एक हफ्ते तक बारिश करूंगा। लेकिन मैं तुम सबको अभी से कह देता हूँ कि सब पक्षी अपने मजबूत से घर बना लें ताकि अगर जंगल में सैलाब भी आ जाए तो तुम सबके घरों को कोई नुकसान ना हो। ठीक है बादल भैया, मैं अभी सब पक्षियों के पास जाकर उनसे ये कह देता हूँ। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। फिर कालू कौवा और रानी कौवी छुपके छुपके अपना एक मजबूत सा घर तैयार करने लगते हैं। कुछ ही दिनों के बाद जंगल में बहुत तेज बारिशें होने लगती हैं। अरे वाह भाई वाह, अब आएगा मजा। इतनी तेज बारिश में इन पक्षियों के घर नहीं टिक पाएंगे और ये सब पक्षी अपने घर से बेघर हो जाएंगे। फिर मजबूरन इन पक्षियों को इस जंगल को छोड़कर जाना ही पड़ेगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। जैसे इन दुष्ट पक्षियों ने मेरे पुरखों को जंगल से निकाला था, वैसे इन पक्षियों को भी इस जंगल को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अरे मीनू चिड़िया, ये इतनी तेज बारिशें कैसे शुरू हो गईं? कालू कौवा तो कह रहा था कि इसने बादल भैया को कह दिया है कि इस बार बादल भैया हमारे जंगल में हल्की बारिशें करें। चलो तोते, कालू कौवे के पास चलते हैं और उससे ही पूछते हैं। फिर मीनू चिड़िया और तोता कालू
कालू कौवे के घर की तरफ चले जाते हैं। कालू कौवे, तुमने ये इतना बड़ा घर कब बना लिया? हमें तो पता ही नहीं चला। अरे तोते, ये सब कुछ छोड़ो। कालू कौवे, तुमने हम सब पक्षियों से झूठ क्यों बोला कि बादल भैया हमारे जंगल में हल्की बारिश करने के लिए मान गए हैं? मीनू चिड़िया, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बादल भैया ने सब पक्षियों को धोखा दिया है। परंतु कालू कौवे, अब हम क्या करें? फिर कुछ देर तेज बारिशों के कारण सब पक्षियों के घर टूटकर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और किसी किसी पक्षी के तो अंडे भी टूट जाते हैं। मीनू चिड़िया, हम सब पक्षी बेघर हो गए हैं। अब इस तूफानी बारिश में हम दूसरा घर कैसे बनाएंगे? परंतु सिर्फ कालू कौवे के अलावा सब पक्षियों के घर टूट कैसे गए हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? बुलबुल बहन, मैं और रानी तो एक महीने पहले से ही अपने घर की मरम्मत कर रहे थे और तुम सब पक्षियों के घर तो काफी ज्यादा पुराने थे, इसी कारण वे तेज बारिश से टूट गए हैं। बुलबुल बहन, ये वक्त लड़ने का नहीं बल्कि ये सोचना है कि हम बारिश से कैसे बचेंगे। कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा, वरना इस तूफानी बारिश में और ठंड के मारे हम सब पक्षी बीमार ना हो जाएं। कुछ देर के बाद सारे ही पक्षी यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं और बारिश से बचने के लिए कोई जगह तलाश कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ कालू कौवा और रानी कौवी बड़े ही आराम से अपने मजबूत से घर में बैठे होते हैं। कालू जी, मैं ये जानती हूँ कि आपने बादल भैया को जाकर कहा है कि वे हमारे जंगल में बहुत तेज बारिशें करें। जबी तो आज पक्षियों के घर बिल्कुल टूट गए हैं और आज सभी पक्षी बेघर हैं। आपने इन पक्षियों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। आपके पुरखों ने तो गलती की थी जिस कारण आपके पुरखों को जंगल से निकाल दिया था, परंतु इन पक्षियों ने तो कोई भी गलती नहीं की है, तो फिर इनको इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं? रानी, मुझे अपने परिवार के अलावा किसी दूसरे की कोई भी परवाह नहीं है। पक्षियों को उनके किए की सजा मिल रही है। फिर मीनू चिड़िया बारिश में इधर उधर भटक रही होती है कि मीनू चिड़िया को सामने एक छतरी दिखती है। ये तो एक छतरी है, मैं इसे ले जाकर एक पेड़ पर लगा देती हूँ। फिर जब तक बारिश नहीं रुकेगी, हम सब पक्षी इस छतरी के नीचे बैठे रहेंगे। बस फिर मीनू चिड़िया उस छतरी को लाकर एक पेड़ पर लगा देती है और सारे ही पक्षी आराम से उस छतरी के नीचे बैठ जाते हैं। शुक्र है मीनू चिड़िया कि तुम्हें ये छतरी मिल गई, वरना हम सब पक्षी तो बारिश में ही भीगते रहते और हम सब पक्षी बीमार हो जाते। परंतु कालू कौवा ये सब देखकर बहुत ज्यादा ही जलता है। मीनू चिड़िया, अब देखो मैं फिर से तुम सब पक्षियों को कैसे बेघर करता हूँ। जंगल में रात भी हो जाती है, सब पक्षी आराम से उस छतरी के नीचे सो जाते हैं कि तभी कालू कौवा वहाँ पर आता है और वे छतरी को अपने पंजों से पकड़कर वहाँ से ले जाता है। कालू कौवा वे छतरी ले जाकर कहीं दूर फेंक देता है। बारिश में भीगने की वजह से सभी पक्षियों की आंख खुल जाती है और वे सब पक्षी उड़ जाते हैं। मीनू चिड़िया, ये क्या हो गया? हमारा छाता कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा छाता हवा में कहीं उड़ गया हो? नहीं भाई कबूतर, हमारा छाता हवा में नहीं उड़ा होगा, क्योंकि मैंने और मीनू चिड़िया ने खुद अपने छाते को पेड़ से बांध दिया था। मुझे तो लगता है कि किसी पक्षी ने हमारा छाता कहीं ले जाकर फेंक दिया है। पर तोते, हमारे साथ ऐसा कौन करेगा? सब पक्षी तो बेघर हो गए हैं। मीनू चिड़िया, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ कालू कौवे ने किया है, क्योंकि कालू कौवे के पास तो अपना एक मजबूत सा घर है ना। पर कबूतर, हम कालू कौवे पर बिना देखे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मीनू चिड़िया कुछ देर सोचती है तो मीनू चिड़िया के दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय आता है। पक्षियों, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय आया है जिससे ये पता चल जाएगा कि हमारा छाता कालू कौवे ने फेंका है या फिर किसी और पक्षी ने। पक्षियों, चलो मेरे साथ,
हम कालू कौवे के घर पर चलते हैं। फिर मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को लेकर कालू कौवे के घर पर चली जाती है। अरे अरे मीनू चिड़िया, तुम सब पक्षियों को लेकर मेरे घर में क्यों आ गई हो? तुम सब पक्षी तो मेरा पूरा घर गीला कर दोगे। चलो भाई बाहर निकलो मेरे घर से। कालू कौवे, एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। मुझे एक छतरी मिली थी, मैंने उस छतरी को एक पेड़ पर लगा लिया था, फिर हम सब पक्षी आराम से उस छतरी के नीचे सो गए थे। फिर न जाने वे छतरी कहीं हवा में उड़ गई या फिर किसी पक्षी ने चोरी कर ली है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। पर मीनू चिड़िया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तुम्हारी छतरी नहीं चुराई है। कालू कौवे, मैंने तुमसे कब कहा कि वे छतरी तुमने चोरी की है? मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि वे छतरी एक चील की थी, और उस चील को पता चल गया है कि वे छतरी हम में से किसी एक पक्षी के पास है। ये चील कह रही है कि हमने अगर उसकी छतरी उसे वापस ना की तो वे हम सब पक्षियों को मारकर खा जाएगी। हाँ कालू कौवे, वे चील ये भी कह रही थी कि उस चील को लगता है कि उसकी छतरी कालू कौवे तुमने चोरी की है। लेकिन मीनू चिड़िया, उस चील की छतरी तो तुम्हें मिली थी ना, तो मैं कहाँ से आ गया इसमें? हाँ कालू कौवे, वे छतरी मिली तो मुझे थी, लेकिन ना जाने वे छतरी अब कहाँ चली गई है। अगर वे छतरी हमने उस चील को ना लौटाई तो वे चील हम सब पक्षियों को मार कर खा जाएगी। कालू कौवा तो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा ही डर जाता है और वे फौरन मीनू चिड़िया से कहता है। मीनू चिड़िया, जब तुम सब पक्षी सो रहे थे तो मैं तुम सब पक्षियों के पास आया था, और वे छतरी मैंने अपने पंजों से पकड़कर जंगल से बाहर ले जाकर फेंक दी है। जल्दी चलो, हम उस छतरी को वहां से उठाकर चील को लौटा देते हैं, वरना वे चील तो हम सब पक्षियों को मार ही डालेगी। कालू कौवे की पोल अब सब पक्षियों के सामने खुल गई थी। सब पक्षी तो बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ गए थे। कालू कौवे, तुमने हमारे साथ बहुत ज्यादा ही गलत किया है। तुमने हमसे कहा था कि तुम बादल भैया को जाकर कहोगे कि इस बार वे हमारे जंगल में हल्की बारिशें करेंगे, और देखो तो वे बादल भैया हमारे जंगल में कितनी तेज बारिशें कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि तुमने बादल भैया को जाकर कहा होगा कि इस बार वे हमारे जंगल में बहुत ज्यादा ही तेज बारिशें करें, क्योंकि तुम्हारे पास तो अपना इतना मजबूत घर जो है। मीनू चिड़िया, मैं तो कहता हूँ कि अभी के अभी कालू कौवे के परिवार को हम उसके ही घर से बाहर निकाल देते हैं। तोते, तुमने एकदम ठीक कहा। मीनू चिड़िया, चलो हम कालू कौवे के परिवार को उसके घर से बाहर निकाल देते हैं। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ कि मैंने बादल भैया को जाकर कहा था कि इस बार वे हमारे जंगल में पूरे एक हफ्ते तक बारिश करें। मीनू चिड़िया, तुम्हारे पुरखों ने हमारे पुरखों को जंगल से निकाल दिया था, बस मैं इसी बात का बदला तुम सब पक्षियों से ले रहा था। लेकिन कालू कौवे, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे पुरखों को हमारे पुरखों ने इसीलिए जंगल से निकाला था क्योंकि वे चीलों को लेकर आ गए थे। इसी कारण हमारे पुरखों ने तुम्हारे पुरखों को जंगल से निकाल दिया था। मीनू चिड़िया, मैं मान गया हूँ कि सारी गलती हमारे पुरखों की थी, और मैं तो बस अपना बदला लेना चाहता था। मीनू चिड़िया, मुझे एक मौका और दे दो। मैं अभी बादल भैया के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि वे बारिश ना करें हमारे जंगल में। हाँ मीनू चिड़िया, कालू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम हमें हमारे घर से बाहर मत निकालो, वरना हम कहाँ जाएंगे। फिर कालू कौवा फौरन बादल के पास चला जाता है। अगले दिन बारिश रुक जाती है, परंतु पक्षियों के घर तो टूट फूट गए थे और उनके पास अब रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। कालू कौवे, तुम्हें अभी तक तुम्हारी गलती की सजा नहीं मिली है, और तुम्हारी सजा यही है कि तुम सब पक्षियों को नए घर बना कर दोगे। बस फिर क्या था, कालू कौवा एक एक करके सब पक्षियों को नए घर बना कर दे रहा था। इस तरह कालू कौवे को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।